हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ाई। हम आ चुके हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के साथ। और आज का मेरे चैप्टर का नाम है फ्रॉम शेल्टर टू विलेज सेटलमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शेल्टर्स, सीजनल कैंप्स एंड विलेज सेटलमेंट्स। तो सबसे पहले हम शेल्टर्स से शुरू करेंगे। तो शेल्टर्स थे क्या? तो हमने हमारे फिफ्थ लेसन में हमने पढ़ा कि नेदरलैंडियन जो थे वो केव्स में रहा करते थे मेनली, और क्लाइमेट चेंज के कारण, यूरोप में एक्सट्रीम ठंडी होने के कारण, वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए क्योंकि उन्हें फायर और लेदर के कपड़े पहने और उन्हें फायर का यूज़ करना सीख लिया। तो ये सारी चीज़ों के कारण वो बच तो नहीं पाए, पर पराप्स ये सारी चीज़ें इनफ नहीं थी। डैट इज़ वाई इन द मिडल ऑफ द स्टोन एज ग्रुप्स ऑफ होमो सेपियंस एंड एस्टैब्लिश्ड कैंप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए ये इनफ नहीं था, तो ग्रुप्स ऑफ होमो सेपियंस ने ऑल अराउंड द वर्ल्ड कुछ कैंप्स एस्टैब्लिश। तो ये टाइम पे क्या हो रहा था, जो टाइम है वो क्लाइमेट जो है वो वार्मर हो रहा था। एवरीवेयर द एनवायरमेंट वॉज चेंजिंग एंड विद इट द डाइट ऑफ होमो सेपियंस ऑल्सो गोइंग अंडर गोइंग चेंजेस। बाय द टाइम ऑफ मिड स्टोन एज बिग एनिमल्स लाइक मैमथ्स वर ऑन वे टू एक्सटिंक्ट ड्यू टू द चेंजिंग एनवायरमेंट एंड ऑल्सो बिकॉज दे वर यूज टू हाइड बिकॉज एनिमल्स हाइड्स टू एरेक्ट टेंट्स इनसाइड द केव्स फॉर वार्मथ वर नेसेसरी बट दे ऑल्सो बिल्ट इन नट हटेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। दैट इज वाई होमोसेपियन हैड लार्जली टर्न इन टू फिशिंग। सॉरी, दैट इज वाई देन यूज एनिमल्स हाइड इन एरिक टेंट इनसाइड केव्स एंड वॉर्म्थ वेर एवर नेसेसरी दे ऑल्सो बिल्ड हट्स इन द ओपन। तो ये जो नेदरलैंडियंस ने ये चीज़ें की, वो ओपन में हट्स बना देते थे, वरना तो एनिमल्स के हाइट्स के अंदर चले जाते थे, टेंट्स बना लेते थे वार्मथ को सर्वाइव करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीजनल कैंपिंग आया, तो ये पहले शेल्टर हो गया। तो मैंने यहाँ से यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया था, सॉरी। फिर तो वो एक्सटिंक्ट होने को आए थे एज पर वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर हंट हो रहे थे और होमो सेपियंस हैड टर्न इन टू फिशिंग, वो फिशिंग के तरफ टर्न हो गए थे। ही हैज ऑल्सो बिगैन टू डिपेंड मोर ऑन हंटिंग स्मॉलर एनिमल्स लाइक द वाइल्ड बोर डियर माउंटेन गोट एंड शीप। तो ये सारे एनिमल्स अभी हंट होने लगी। देखो मैमथ और एक आज का एलिफेंट। द मैमथ वॉज एन एंसेस्टर ऑफ एलिफेंट, हाउ एवर वॉज मच स्ट्रॉन्गर इन साइज कम्पेयर टू द एलिफेंट। जैसे उस टाइम के ह्यूमंस हमारे एंसेस्टर्स हैं, वैसे आज के एलिफेंट्स के लिए उस टाइम के मैमथ्स एंसेस्टर्स है दोस्तों। वो देखो टाइम चेंज हुआ, म्यूटेशन हुआ, तो उनके बॉडी पे देखो कितने बाल है, क्योंकि तभी ठंडी थी राइट, तो उनके बॉडी पे बाल बहुत ज़्यादा थे, तो उनकी बॉडी वार्म रहती थी। आज के एनिमल्स पे बाल कम होते हैं, एलिफेंट्स पे बाल कम होते हैं, एनिमल्स पे नहीं, क्योंकि ठंडी नहीं है इतनी। वो केरला, अफ्रीका, इनमें ठंडी नहीं है, गर्म जगह है, तो इनके बॉडी में से बाल चले गए और इनकी जो साइज थी और इनके जो ट्रंक साइजेस थे वो कम हो गए एज पर कंपेयर टू अ मैमथ दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हुई, वो छोटे छोटे एनिमल्स को हंट करना शुरू किए, उनने फिशिंग के तरफ मुंह मोड़ लिया, वो फिशिंग के पास आ गए। और द डाइट, फिर उसके बाद जो डाइट पैटर्न था वो चेंज हुआ होमो सेपियंस के ग्रुप में। वो अलग रीजन से, फार अवे रीजन्स टू रोम टू फार अवे रीजन्स, दे मूव देयर कैंपेन्स टू डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द सोवल चेंज। दे वर हार्वेस्टेड सीजनल वाइल्ड ग्रेन्स एंड गैदर्ड सीजनल फ्रूट्स एंड रूट्स। दे वुड फाइंड आउट द बेस्ट सीजन फॉर फिशिंग एंड यूजिंग द नॉलेज ऑफ देयर एडवांटेज। तो इन लोगों ने एडवांटेज हुआ, फिर उन लोगों ने क्या किया, ये जो डाइट है इनका वो चेंज हुआ, और फिर ये फार अवे रीजन से चेंज हुए क्योंकि कैंप्स की अकॉर्ड जो एरियाज थे वो चेंज करने पड़े सीजनल चेंजेस के कारण। तो इसलिए जहाँ पे ठंडी हुआ करती थी वो वहाँ से मूव होके
दूर चले जाते थे जहाँ पे गर्मी अभी शुरू होती थी, तो जहाँ पे गर्मी वहाँ पे वो, ऐसा उनका मानना था दोस्तों। तो ये हार्वेस्ट करते थे अलग अलग चीज़ें, फ्रूट, सीजनल रूट्स, और इनके नॉलेज के हिसाब से वो फिशिंग करते थे, और उनका जो नॉलेज यूजेस था उनका बहुत बड़ा एडवांटेज था। और ऑब्जर्व और उनने ऑब्जर्व किया, डिस्कवरिंग किया, ने डिस्कवर किया बेस्ट हंटिंग ग्राउंड्स, और फॉर द रीज़न दे स्टेड एट वन प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड्स। तो ये सारी चीज़ें उनने कल्टिवेशन सीख लिया, तो वो एक जगह पे लंबे समय तक रहते थे। दे क्लियर्ड जंगल्स बाय फेलिंग ट्री, सेट अप देयर सीजनल कैंप्स इन क्लियरिंग। उन्होंने जंगल्स काट दिए, खुद के सीजनल जो खुद के सीजनल कैंपेन्स जो है उनने खुद के खड़े किए, और उनने डॉग्स को पालना शुरू किया। तो ये जो दो पिक्चर्स है इसमें हमें बहुत कुछ पता चलता है। सबसे पहले इनके घर देखो कैसे थे, दूसरा इनका टीम वर्क में काम कर रहे हैं लोग, ये आर्चरी कर रहा है, इनके घर अलग थे, ये कुछ बना रहा है, यहाँ पे आग का काम चल रहा है, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि उनने आग मास्टर कर ली थी, ये कपड़े इनने कपड़ा क्लोदिंग मास्टर कर लिया था, ये सारी चीज़ें मास्टर नहीं पर उन्होंने सीख लिया था कि बेसिक सर्वाइवल चीज़ें क्या है दोस्तों। ये देखो इसने कपड़े पहने, जूते पहने, इन लोगों ने जूते पहने, शिनचली, यहाँ पे देखो काम चल रहा है, कुत्ते घूम रहे हैं, वहाँ पे लॉग कट रहे हैं, इसके साथ एक डॉग पेट है। तो ये दिखाता है कि लोगों ने नेचुरल चीज़ों को अडाप्ट करना शुरू कर लिया हुआ। विलेज सेटलमेंट, द न्यू वे ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमंस इन द न्यू स्टोन एज वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट द ह्यूमंस इन द ओल्ड स्टोन एज एंड द मिडल स्टोन एज। ड्यूरिंग द पीरियड ह्यूमन बिकेम प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड ग्रेन, द बिगनिंग ऑफ कल्टिवेशन इज द कैरेक्टर स्किल्स ऑफ द कल्चर ऑफ द न्यू स्टोन एज। इन द हंटिंग gathering way of life it is necessary to keep moving all time, however agriculture makes it possible to store food and use it all over longer period, hence there is no need to move constantly, moreover the natural agriculture worker made it necessary to stay at one place, therefore people established permanent villages settlement and lived there in generations after generations. In the next lesson we shall revive the social organization and the culture of this village settlements. तो हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने सबसे बड़े पढ़ा कि जो ह्यूमंस हैं इनने अभी एग्रीकल्चर सीख लिया है न्यू स्टोन एज में, दूसरा अभी इन्हें मूव करने की जरूरत नहीं, हंटर एंड गैदरिंग वे ऑफ लिविंग इनने क्विट कर दिया है, कुछ लोग अभी भी फॉलो कर रहे थे उस टाइम पे, तो इन्हें एग्रीकल्चर सीख लिया, इन्हें लंबे टाइम तक एक जगह पे ही रहने की आदत लग गई, और ये एग्रीकल्चर के साथ ही कंटिन्यू रहे, और इन्हें परमानेंट विलेजेस एस्टैब्लिश कर लिए, और उन परमानेंट विलेजेस में जनरेशन बाय जनरेशन के लोग रहने लगे। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर का एक पेज दिखा देता हूँ, बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ, जिसमें हम बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे, और मॉडर्न बोल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द मॉडर्न बुल, दैट इज़ द वाइल्ड बुल। ये देखो वाइल्ड बुल और मॉडर्न बुल में कितना फ़र्क है। तो जो पहले चीज़ें बड़ी हुआ करती थी ना, वो अभी मॉडर्न में आके छोटी हो गई है दोस्तों। ह्यूमंस का पहले साइज कितना बड़ा हुआ करता था स्टार्टिंग के ह्यूमंस का, क्योंकि जो नेदरलैंडियंस है उनकी हाइट नॉर्मल लोगों की हाइट 6 फुट तक होती थी, फिर एकदम एक्स्ट्रा टॉल 8 फुट तक जाती थी। पर अभी क्या है, अभी नॉर्मल लोगों की हाइट क्या होती है, 5 फुट होती है, नहीं 5 फुट तो बहुत छोटा हो गया, मैं खुद 5 फुट से ज़्यादा हूँ, 5-6 होती है, 5-7 होती है, पर तब भी नॉर्मल लोगों की हाइट ही 6 से आगे चल शुरू होती थी, क्योंकि उनका डाइट बस मीट था, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रही थी, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स मिल रही थी। पर अभी लोगों ने सेटल लाइफ शुरू किया, उनके डाइट में चेंज हुआ, और एज़ पर उनके एनिमल्स में भी, तो डैट इज़ वाई ये चीज़ें हुई, और जो पहले बड़े एनिमल्स थे उनके साइजेस छोटी हुई दोस्तों। तो आज का बस ना आएगा, बाकी वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट चैप्टर में जो है बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ, जिसमें हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।